नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। ये कहानी एक डॉल यानी गुड़िया की, जिसका नाम है एनाबेल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इस साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रेगेडी यान में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वो लिखते हैं कि एक बार वो अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वो डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले इसी डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वो डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वह उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वह डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेली बैठकर उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती है, लेकिन वह बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वह जब 13 साल की हुई तब किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वह डॉल रसमई तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वह गायब हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वह डॉल कई सालों तक कहीं भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए, लेकिन साल 1917 में यह डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को वह डॉल पसंद आ गई और उसने यह डॉल खरीद ली। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डॉल भूतिया है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपने दो सहेलियों के साथ रहती थी। वह इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वह हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र बीत चुकी थी। लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली जिसका नाम लू था, इसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में रखने से मना भी किया था, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। डोना ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती है। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियां ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि यह सरापित डॉल है। लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग एक महीने बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे के लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेली अपने घर में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान लगाए, लेकिन वह नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया कि यह रंग नहीं खून है। इस दौरान डोना की सहेलियाँ ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, और जब वह कमरे में गई कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं था। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज़ें आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौट कर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बताया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दी। यह दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए, उनके साथ एक हफ्ता बिताया। एक हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकलकर इंसान में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्द दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती से उनको ज्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने एक म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसे इसी म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं।